आपका विषय है। मंत्री जी का जो जवाब आया वो पूरी तरीके से उपयुक्त है, उसमें कुछ आना बाकी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाइए। मेरा आपसे निवेदन है, जो भी बात आपने कहनी है आप अपनी सीट पर चलने के लिए, अगर आप अपनी सीट पर नहीं जाएंगे, मेरा निवेदन सुन लीजिए, फिर आपको ये कहने का अवसर नहीं होगा कि मैंने आपकी बात सुनी नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं आगे से प्रश्न सारे ले लूंगा, प्रश्न पूरे हो जाने के बाद मैं अगला मत ले लूंगा, और अगला मत लेने के बाद मैं सीएल से सारे के सारे विधानसभा की आज कार्रवाई ले लूंगा। अगर आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज यहां पर बोले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चले जाएं। लेकिन मैं पूरा सूची ले लूंगा, और जिन सदस्यों को बोलने का अवसर है आप उन सदस्यों के अधिकारों के ऊपर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको इस बात की इजाजत नहीं है, मैं इस बात की इजाजत आपको नहीं देता। आपको किसी भी विधानसभा के सारे सदस्यों को ऊपर बल्लाक कब्जा करने का अधिकार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाइए, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चले जाइए। प्रश्न संख्या 6 श्री मनोज पांडे, आप पूछना चाहेंगे मनोज पांडे जी? नहीं, मनोज पांडे जी संतुष्ट हैं उत्तर से, वो कुछ नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 7 श्री महबूब अली, श्री महबूब अली अगर सीट पर जाकर अपना पूरक करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो मैं मानूंगा कि जो सरकार से उत्तर आया उससे वो संतुष्ट हैं। श्री महबूब पांडे संतुष्ट है, उनका उत्तर पड़ा मान लिया जाए प्रस्तुत। नथी गांव प्रश्न संख्या 1 श्री अतुल प्रधान, शत्रु प्रधान अगर अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, अगर वो अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं मंत्री जी से, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वहां पर चले जाए। नहीं, मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं, मैं आगे एजेंडे पे जाऊंगा, एक मिनट भी पीछे नहीं जाऊंगा, मैं एकदम नहीं जाऊंगा पीछे। मैंने आपसे विनम्रतापूर्वक कई बार निवेदन किया है, अगर आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं करना चाहते, पूरा प्रदेश आपको टीवी के माध्यम से, आपको यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है कि आप विधानसभा में बात नहीं करना चाहते हो, केवल हंगामा करना चाहते हैं, उसकी इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा। शत्रु प्रधान नथी गांव प्रश्न संख्या 1, अतुल प्रधान नहीं पूछना चाहते। श्री मनोज कुमार पांडे प्रश्न संख्या 2, श्री पंकज मलिक नहीं पूछना चाहते, ठीक है, उसका उत्तर मान लिया जाए कि वो संतुष्ट है। प्रश्न संख्या 3 श्री अभय सिंह, अगर वो औद्योगिक विकास से संबंधित है प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मेरा फिर उनसे निवेदन है कि आप जा सकते हैं अपनी सीट पर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाए सीट पर, अपने बात कहें। चलिए, ये इससे भी संतुष्ट है श्री अभय जी, श्री विनोद चतुर्वेदी संतुष्ट है। औद्योगिक विकास का प्रश्न संख्या 3 उत्तरित मान लिया गया। प्रश्न संख्या 4 श्री अखिलेश डॉक्टर संग्राम सिंह, खेल विभाग से संबंधित है, मंत्री जी उत्तर देने के लिए तैयार है, वो उत्तर नहीं लेना चाहते, ये भी उत्तरित मान लिया गया। श्री मोहम्मद फहीम इरफान आप पूछना चाहते हैं तो अपनी सीट के ऊपर चलिए, नहीं जाएंगे तो उत्तरित मान लिया जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मंत्री जी खड़े हुए हैं, यह भी उत्तरित मान लिया गया। श्री वो संतुष्ट, मैं मान रहा हूं कि आज जितने भी उत्तर सरकार के द्वारा आए हैं सारे माननीय सदस्य उससे संतुष्ट हैं, इससे बढ़िया उत्तर कोई भी नहीं हो सकता था। श्री अजय कुमार प्रश्न संख्या 6, श्री अजय कुमार प्रश्न संख्या 6 अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं अनुपूरक, तो मंत्री जी खड़े हैं, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी खड़े हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, इसका मतलब आप भी संतुष्ट हैं। श्री पीयूष रंजन निषाद तथा मुकेश चंद्र वर्मा, माननीय समाज कल्याण मंत्री से कुछ पूछना, पीयूष चंद्र वर्मा है वो भी नहीं है, वो भी माननीय श्री जियाउर रहमान प्रश्न संख्या 8, ये भी कुछ भी पूछना चाहते हैं अगर है तो अपनी सीट के ऊपर जाकर पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 डॉक्टर रागिनी, अगर कोई पूछना चाहते हैं डॉक्टर रागिनी तो अपनी सीट के ऊपर जाकर पूछ सकती हैं, डॉक्टर रागिनी भी नहीं पूछना चाहते तो मैं मानूंगा कि वो उत्तर से संतुष्ट हैं। शेष तूफानी सरोज प्रश्न संख्या 10, वो भी अगर नहीं सुनना चाहते तो उनका भी प्रश्न उत्तरित मान लिया जाएगा। श्री पंकज तथा श्रीमती पल्लवी पटेल डॉक्टर पल्लवी पटेल वो भी नहीं करना चाहते। प्रश्न संख्या 12 श्री बचाई सरोज तथा श्री उमाशंकर जी, वो उनका प्रश्न उत्तरित मान लिया गया। श्रीमती मोना, नहीं ये मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, आप पूछिए, मोना जी पूछिए, देखिए आप दूसरों के अधिकारों के ऊपर आपको अतिक्रमण
मतदान नहीं करने दूंगा। उसे मौला जी पूछे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप दूसरे के अधिकार को मुझे इंगित करना पड़ेगा और आप लोगों को बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा अगर आप लोग जबरदस्ती करोगे। मैं उस प्रकार से विधानसभा नहीं चलाऊंगा जैसे आप चाहते हो। विधानसभा नियम के हिसाब से चलेगी, परंपराओं के हिसाब से चलेगी। उसके मोना जी आप प्रश्न पूछ सकते हो। उमा शंकर जी बारह प्रश्न क्या बारह उमा शंकर जी आप पूछे आपको उत्तर आएगा। आप पूछे आपका सिर्फ उमा शंकर जी का माइक चालू होगा, बाकी सारे माइक बंद होंगे, सारे सुन सकेंगे। बोलने के लिए सिर्फ उमा शंकर जी का माइक चालू होगा। आप पूछिए का मेरा उद्देश्य था। उसे आपको उत्तर मिलेगा पूरा। हम सुन रहे हैं मंत्री जी को, सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। सारे मंत्री जी ने जवाब दिया है कि और सुजीत वहां चलिए, मैं सुन रहा हूँ वहां चलिए, मानी शिपाही चलिए।